अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अवैस अफरीदी, आई एम फ्रॉम ब्लैकस्टोन आर्म्स। आज लाए हो आपके लिए एक नई रिव्यू जस्टावर 223, जो क्रिंकॉफ के शेप में है और क्रिंकॉफ के साइज में है। ठीक है, आज इसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे, इसकी रिव्यू करेंगे, इसके प्राइस के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको ये मेन बात बता दूँ, हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारी सीएनसी मशीन से बनते हैं, ए टू जेड। इसकी कलरिंग की जो क्वालिटी है वो भी सारी सीएनसी मशीन से हम करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, मटेरियल के बारे में बताऊंगा और इसके शॉर्ट्स वगैरह डालूंगा। ठीक है, मतलब क्लोज करके, ताकि आप इसको नज़दीक से देख सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा ले, शुक्रिया। तो यह है जस्टावा 223। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम्पैक्ट है, दूसरा डिज़ाइन इसका काफ़ी प्यारा है। ठीक है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया है। हम पहले भी बनाते थे, मतलब ये पहले से हम बनाते थे, लेकिन इस पर कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। इस बार मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। ठीक है, इस साइड से भी आप देख ले और इस साइड से भी आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें जो स्टैंड लगा हुआ है ये कलाशनकोफ की तरह है, अगर आप इसको गाड़ी में कैरी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप गाड़ी में कैरी कर सकते हो। ये स्टैंड आप बंद करके, जैसे मैंने बंद किया, ठीक है, आप कैरी कर सकते हो। दूसरा, इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है, इसका वेट काफ़ी कम है, मतलब हर लिहाज से इसका वेट जो है वो काफ़ी कम है। गर्मी भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, इधर से आप इसको पकड़ सकते हो। ठीक है, इसका जो मज़ल है ये जब भी आप फायर करेंगे ये शोला टाइप फेंकेगा। ठीक है, इसका ऐसा मज़ल है। 223 कैलिबर में आता है, मेड बाय ब्लैकस्टोन आर्म्स, टोटली सीएनसी मशीन मेड है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अंदर जितने भी पार्ट्स हमने इसमें यूज़ किए वो सारे हमने चाइनीज़ यूज़ किए। ठीक है, स्प्रिंग्स वगैरह बकाया सारे 41-40 मटेरियल है। अगर मैं बात करूँ मैगजीन के बारे में, तो इसका जो मैगजीन है ये 30 राउंड है, 30 राउंड इसमें आते हैं, 2 मैगजीन इसके साथ हम देते हैं। आप एक्स्ट्रा मैगजीन भी फिर परचेज़ कर सकते हो, 40 या 45 वाले। ठीक है, काफ़ी एक बेहतरीन राइफल है हर लिहाज से, आप देख सकते हो, मुझे पर्सनल भी ये काफ़ी पसंद है। ठीक है, और मैं इसका जो है अभी ये खोल लेता हूँ। ठीक है, असल में ये है नया, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त है बटन इसका। ठीक है, ये यूज़ होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही ओपन करेंगे कुछ तो कुछ नज़र आएगा आपको, इसके साथ भी इसका लुक देख ले। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ये क्रिंकॉफ है, जस्टावा 223। ठीक है, अच्छा, सिंगल भी है, सेमी ऑटोमेटिक भी है, ब्रस्ट भी है और लॉक भी है। ये नीचे होगा तो सेमी ऑटोमेटिक है, ऊपर हो जाएगा तो ब्रस्ट होगा, फुल ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर बिल्कुल ऊपर हो जाएगा तो ये जो है लॉक हो जाएगा। ठीक है, इधर से आप इसको जो है आराम से ये देख ले, इधर से आप इसको लोड कर सकते हो। आप ये देख रहे होंगे इसका जो मैकेनिज्म है पूरा कलाशनकोफ की तरह, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि यार सख्त होगा, नहीं, बिल्कुल स्मूथ कलाशनकोफ की तरह इसका मैकेनिज्म है और काफ़ी प्यारा राइफल है। ठीक है, हर लिहाज से इसमें 2 कलर्स के मैगजीन्स आते हैं, एक ब्लैक कलर का आता है, एक ये कलर आता है। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हो, इसके साथ भी अच्छी लुक आती है और इसके साथ भी अच्छी लुक आती है, जो सा कलर आपको फिर पसंद हो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी ये मैगजीन मैंने इसमें डाल ली है। ठीक है, ये देख लो, इसके साथ इसका कुछ ऐसा लुक आता है, तो काफ़ी एक बेहतरीन राइफल है, काफ़ी एक प्यारी राइफल है, मुझे पर्सनली ये काफ़ी पसंद आई है। अच्छा, आता हूँ, गर्मी बहुत है, प्राइस के बारे में, अगर आप ये हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको ब्लैकस्टोन आर्म्स की तरफ से मिलेगा 1 लाख का, 1 लाख में ये आपको ब्लैकस्टोन आर्म्स की तरफ से मिलेगा। क्वालिटी जो है बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी विद गारंटी। ठीक है, रिटर्न फॉर्म है, अब आपको गारंटी देंगे, जितना आप गारंटी चाहते हैं आपके मुंह पर, आप जितना चाहते हैं हम अपने लेटर हेड पे आपको गारंटी भी लिख के देंगे इंशाल्लाह। क्वालिटी बेहतरीन होगी हर लिहाज से इंशाल्लाह। उम्मीद है ये वीडियो एंड राइफल दोनों चला गया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे वादा किया था कि यार हम रेंज पे जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी प्रोसेस है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है कि हम चले जाए और वो वीडियो फिर इंशाल्लाह चैनल पर डालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो मैं एक रिव्यू कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद है वीडियो एंड राइफल दोनों चलेगी होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।